हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषिकेश के पार्ट टू में। तो जहाँ पर हमने समाप्त किया था, तो हम लोग आ चुके थे ऋषिकेश। उसके बाद थोड़ी देर हमने आराम किया और हम यहाँ पर रुके हुए हैं मिनी स्विस रिसोर्ट में। तो हम इसका आपको एक उसका कॉटेज का रूम टूर कराते हैं जो हमें मिला हुआ है। तो चलिए आइए मेरे साथ, बढ़ते रहिए। और ये है हमारे रूम का नाम, अली बाबा 40 स्टोर, रूम नंबर 10। तो आइए चलिए कराते हैं आपको रूम का टूर। और यहाँ पर 4 लोगों का बेड आराम से, आप ये देखिए, एक बेड इधर सेट पड़ा है और ये डबल बेड यहाँ पर हो जाएगा, एक सिंगल बेड इस साइड हो जाएगा। और ये लकड़ी के डोर्स यहाँ पर, ये देखिए कितने अच्छे से। और यहाँ पर ये लाइट्स, और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लाइट्स दी हुई हैं। और ये ऊपर आप देखिए कितना अच्छे से मैनेज किया हुआ है बेम्बू द्वारा। और ये पंखा यहाँ पर हो गया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये एक उन्होंने मिरर दिया हुआ है। और उसके बाद एक यहाँ पर एक छोटी सी विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए। और ये हो जाएगा, और ये इस साइड हो जाएगा आपका टॉयलेट। टॉयलेट भी काफी अच्छा है, साफ सुथरा, और बहुत ही अच्छी सुविधा इन्होंने दी हुई है। और अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गया रूम का टूर। तो अब ये देखिए हम आ चुके हैं बाहर की ओर, और बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच ये रिसॉर्ट। और रिसॉर्ट्स पे आप कॉटेजेस देख सकते हैं। और सामने देखिए, और इनका बहुत ही अच्छा जो है वो सुविधा दी हुई है, हर चीज की फैसिलिटी आपको मिलेगी यहाँ पर। 3 बार जो मील दी जाएगी, ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर। और यहाँ पर डीजे सिस्टम वगैरह सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देखिए इसका टोटल व्यू। और यहाँ पे दीपू भाई हमारे मस्ती करते हुए पूरी फुल एंजॉय। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मैच में, और हमें यहाँ पर ब्रेकफास्ट में दिया गया है, देखिए आप, ब्रेकफास्ट में हमको दिया गया है, ये देखिए। ये हो जाएगा पोहा, पूड़ी, और ये आलू की सब्जी, और आप अचार भी ले सकते हैं। ये देखिए सब अपने अपने मील का एंजॉय करते हुए। और अब आपको दिखाते हैं हम लंच में क्या देंगे, वो आगे चल के दिखाएंगे आपको। तो जी दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल की तरफ, और अब हम लुत्फ उठाएंगे नहाने का। तो देखिए जो यहाँ पर सुविधा दी हुई है स्विमिंग पूल की, तो आप देखिए स्विमिंग पूल। और यहाँ पे ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं, और ये देखिए स्विमिंग पूल यहाँ पर। और ये दीपू भाई हमारे फुल एंजॉय में, ये देखिए। गहराई भी इसकी ठीक ठाक है, और व्यूज देखिए आप सामने स्विमिंग पूल के। तो चलिए अब मैं भी इसमें नहाने का लुत्फ उठाता हूँ, और मिलता हूँ आपसे स्विमिंग पूल में नहाने के बाद। क्यों तो स्विमिंग पूल में नहाने के बाद, और अब हो चुका है इवनिंग टाइम, तो हम आ चुके हैं रिसॉर्ट के बाहर। तो ये रहा हमारा रिसॉर्ट, आप देख रहे होंगे। और
अब इसके बाद हम चलते हैं और ये देखिए सामने नदी और दीपू यहाँ पर पैर डालकर बैठे हैं। ये गंगा की एक सहायक नहर है, नदी जो भी बोले। और ये देखिए अब शाम का नज़ारा आपके सामने, और बहुत से लोग आपको यहाँ मस्ती करते देखेंगे पानी में। हाँ तो जी दोस्तों, आ गए हम भी पानी के अंदर और आराम से पैर डालकर यहाँ पर बैठते हैं हम बहते हुए पानी में, और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। और मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप भी एक बार ज़रूर आए अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, बहुत ही एंजॉय आप यहाँ पर कर सकते हैं और पूरा ऋषिकेश घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। और अभी जब हम थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो वहां पर भी आपको दिखाएंगे। तो टहलते टहलते हम लोग वहां से अब हम आ गए आगे की तरफ और जा रहे हैं इधर पहाड़ी मैगी पॉइंट पर। सामने आप देख रहे होंगे शॉप पत्थरों के बीच में, और ये देखिए चारों तरफ नजारा। चलते हैं मैगी पॉइंट की तरफ और देखिए सब पत्थर ही पत्थर यहाँ पर आपको दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी मैगी पॉइंट पर। टहलते टहलते जब हम आगे की ओर बढ़े तो हमें दिखाई दिया पहाड़ी मैगी पॉइंट, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर बैठकर मैगी का आनंद लिया जाए, क्योंकि जब आप पहाड़ों पे आते हैं तो मैगी नहीं खाई तो आपने क्या खाया। देखिए ये आ गई हमारी मैगी, और ये रही हमारी चाय, और ये शॉप, और आप लोग जब भी आए यहाँ पर तो पहाड़ी मैगी पॉइंट पर जरूर आए। बहुत बढ़िया यहाँ पर चाय मिलती है और मैगी भी भाई बहुत टेस्टी मिलती है, मुझे तो बहुत मजा आया खाकर। तो अब मैगी खाने के बाद हो चुका है हमारे रिसोर्ट में इवनिंग स्नैक्स का टाइम, तो हम वापस चलते हैं रिसोर्ट की तरफ। और फिलहाल आप एक व्यू देखिए, यहाँ पर लाइट जो है वो इवनिंग में जल चुकी है, तो जरा देखिए एक बार व्यू। तो हम आ चुके हैं अपने रिसोर्ट में, और अभी रात में आप देख सकते हैं रिसोर्ट हमारा। और देखिए ये हमारा रिसोर्ट, वहां पर जो मैस की व्यवस्था है। अब चलिए आगे आपको दिखाते हैं इवनिंग स्नैक्स क्या क्या दिया गया है। तो इवनिंग स्नैक्स जो है हमारे सामने आ चुके हैं। इवनिंग स्नैक्स में आप देख सकते हैं पापड़ दिया गया है, पास्ता है, और चना है, और चाय भी दी गई है। ये संयम भाई हमारे चाय का मजा लेते हुए, और हर्षित मुझे तो मजा ही मजा आ गए, क्योंकि ना मैंने चने मंगाए हैं, दोबारा से ऑर्डर कर लिए, और देखो आप देख ही रहे होंगे कि इतना टेस्टी खाना है कि मजा आ गया, हमने एक थाली भी खाली कर दी। और यहाँ पर आज दीपू भी चाय का मजा ले रहे हैं, जो कि बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि दीपू भी चाय पीते हैं। तो चलिए अब मैं भी थोड़ा इवनिंग स्नैक्स का मजा लेता हूँ और दिखाता हूँ, मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि पास्ते का टेस्ट कैसा है। हाँ जी, टेस्ट भी एकदम बढ़िया है, और बहुत ही मतलब सुबह से लेकर जितना हमने अभी का खाया वो हमको सेटिस्फेक्शन पूरा मिला, बहुत अच्छा खाना था। और अभी तो इसके बाद अभी
हमारा जो है रात को 10 बजे जो है हमें डिनर भी दिया जाएगा, तो आपको हम आपको डिनर भी दिखाएंगे। हाँ तो जी, ये टाइम आ चुका है डिनर का, और इस समय डिनर में दिया हुआ है देखिए मटर पनीर, ये हो जाएगी अरहर की दाल, अचार, चावल, सैलेड विद रोटी और ये सब, और मैंने भी ले रखा अपनी प्लेट में मटर पनीर, रोटी और एक पहाड़ी मिर्च और प्याज। तो चलिए अब हम मील को करते हैं एंजॉय। दीपू भाई हमारे कर चुके हैं एंजॉय मील को, चलिए मिलते हैं आपसे मील के एंजॉय करने के बाद। हाँ तो जी, हमारा डिनर जो है वो इस समय कम्प्लीट हो चुका है और हम निकल आए हैं अपने रिसोर्ट के बाहर थोड़ा टहलने थोड़े वॉक करने के लिए, और आपको दिखाते हैं आगे। और यहाँ पे चलता हुआ पानी, वो शाम को जो मैंने आपको दिखाया था वहीं पर हम अभी बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद चलेंगे रूम में और फिर आपको दिखाएंगे हम रूम से। और ये देखिए रात में भी मस्ती करते हुए लोग स्विमिंग पूल में। हाँ तो जी, आपको सब कुछ दिखाया हमने, इस रिसोर्ट के बारे में बताया और सब कुछ जो भी था हमने इस वीडियो में दिखाया। अब यहाँ से हो चुका है हमारा विदाई लेने का समय और सुबह के बज रहे हैं 3:30। अब हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव बाबा की तरफ, तो अगर वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ होता है तो हम आपको कराएंगे वहाँ पे दर्शन, और दीपू भाई बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। हर हर महादेव, आप भी एक बार ये एक्सपीरियंस लें और कुछ भाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कहा, और आप एक बार जरूर 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 से फैमिली के साथ एक बार जरूर आएं और यहाँ पर आकर एंजॉय करें। और अभी ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रिसोर्ट का सुबह करने जा रहा, और उसके बाद वीडियो करते हैं हम लोग समाप्त। ये देखिए हाँ तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने वीडियो आपको दिखाया, तो मैं आपके साथ एक जानकारी जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो ये जानकारी ये है कि मैं जिस रिसोर्ट में रुका ये भी ठीक है, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो है वो 1000 रुपये से लेके 15,000 तक के रूम रिसोर्ट्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। और जो मैंने यहाँ पर रहकर और यहाँ पर लोगों से पता किया, लोकल लोगों से, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पर एक जेस्टो और एक जेस्टा, ये दो नाम के जो रिसॉर्ट्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट जो यहाँ पर रिसॉर्ट्स हैं वो उनमें से एक है। तो अब जैसा आपका बजट हो आप वैसा यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, और जैसा भी आपको ठीक लगे। और पर आप एक बार फैमिली के साथ जरूर आइएगा, और जेस्टा जेस्टो ये सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बेस्ट जो है यहाँ पर हैं, तो उनको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और जहाँ पर आपका बजट जिस हिसाब से आप उस हिसाब से मेरे कहे से, तो आप उस हिसाब से जो है वो ट्राई कीजिएगा। ये जो जानकारी थी वो मुझे शेयर करनी थी आपके साथ, और लास्ट टाइम पे ये वीडियो मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप